सिर्फ दो जहन में बात रख लो, पाकिस्तान के ऊपर कितना कर्ज है, ठीक है, ये बजट के पैसे तुम कर्जे में डाल दो, पूरा पाकिस्तान इतना सरमायादार है वह खुद चल सकता है। बजट है क्या, पब्लिक को तो ये नहीं पता ये पैसे कहाँ जाते हैं। भाई आपने कहा मैंने इसको इतना दिया इतना दिया इतना दिया, कहाँ किसको लगते हैं, हमारे घर जाते हैं या उनके घर जाते हैं। अभी मुतमईन हैं इस बजट से? पहले तो पब्लिक को ये समझाओ बजट का मतलब ये, मुतमईन कहाँ से होगा, आलू प्याज धनिया मिर्ची बिकता है पता इतने का किलो है, बजट का मतलब तो बताओ भाई, हमने इतना पैसा इसके लिए लगाया, इतना पैसा कहाँ किसके लिए लगाया, क्यों लगा रहे, अब कर्जा उतारो ना, मज़ा तो उसमें, कर्जा बढ़ा रहे हो बजट है। अबे भाई क्यों पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हो, सीधी बात है, क्यों बना रहे हो पब्लिक को बेवकूफ़। तनख्वाह 10,000 रुपये है, महंगाई आसमान में बातें कर रहे हैं, बजट में करोड़ों रुपए किसके घर जाते हैं मेरा भाई, किसको, प्राइवेट वालों को या गवर्नमेंट को, सरकारी सरकारी। मेरा जान जो अल्लाह माफी दे जो मजदूरी कर रहे हैं वो तो 500 दिहाड़ी 400 दिहाड़ी में काम कर रहे हैं, उसका घर कैसे चलेगा, वो तो सरकारी तो पता है 60 साल के बाद करोड़ों लाखों रुपया मिलना है, वो जो फुटपाथ पे बैठे हों उनका क्या होगा। इसमें अगर तनख्वाह तो बढ़ा रहे हैं मगर इससे अच्छा ये सब्सिडीज देना जिससे प्राइवेट लोगों को भी फ़ायदा हो ना, इस तनख्वाह से तो सिर्फ जो तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनको तो फ़ायदा हो रहा है, इससे मना नहीं है, तो इनको सब्सिडीज़ भी बढ़ानी चाहिए ना, जो प्राइवेट लोग हैं जिनका हुकूमत से वो नहीं है उनको भी दे लो कोई रिलीफ हो ना, चीज़ों पर सब्सिडीज़ दें, जो खाने पीने के खासतौर से उसमें सब्सिडीज़ दें, घी तेल है उसमें सब्सिडीज़ दें, ताकि सबको फ़ायदा हो, अगर तनख्वाह ना भी बढ़े कारोबार ना हो तो महंगाई कम हो तो बंदा उसमें अपना गुजारा तो कर सकेगा, ऐसा काम करें ना, सब्सिडीज़ पे का इजाफा करें लोगों के ऊपर कि भाई उनके आम आदमी जो नॉन गवर्नमेंट सर्वेंट है उसके लिए भी आसानी पैदा हो। मुतमईन तो है उसका हम ये नहीं कह रहे, इसकी बुराई नहीं कर रहा मैं कि भाई चलो उसकी तो हो रहा है ना, गवर्नमेंट के सर्वेंट का तो फ़ायदा हुआ है, पर जो प्राइवेट लोग हैं उनके लिए भी तो सोचना चाहिए, उनके लिए भी तो कोई सब्सिडीज़ का प्रोग्राम रखना चाहिए, उनके लिए भी तो कोई सब्सिडी का प्रोग्राम रखना चाहिए ना, उनको उसके लिए भी तो कुछ अपना उनको सोचना चाहिए था। कोई भी इतना कोई फ़र्क नहीं है ना, सब एक ही लकड़ी हाँ करें, महंगाई महंगाई है भाई, आवाम की कमर टूट गई है महंगाई से। मतलब कारोबार पे क्या असर पड़ा? कारोबार ऐसे ही है, अब देखो फारिक बैठे हैं, ये कारोबार है, कारोबार है ही नहीं, जो थे पहले वो भी ख़त्म हो गए, बेहतर तो मतलब वही महंगाई होती है ही, बाजार नीचे आते गए, जो जो हुकूमत आगे बढ़ती गई बाजार नीचे आते गए, अब बाजार बिल्कुल ख़त्म ही हो गया, अब बिल्कुल भी कोई हमारे कुछ नहीं है बजट से, कुछ ही नहीं है, नहीं बिल्कुल मुतमईन है, बजट बिल्कुल बेहतर है, माशाल्लाह बहुत अच्छा दिया है उन्होंने और बहुत बेहतर है। हाँ बड़े लोग हैं वो शोर कर रहे हैं क्योंकि उनकी दाल गल नहीं रही, बाकी गरीब आदमी के लिए बेहतर है, गरीब आदमी ऐसे ही रोता रहता है उसकी काम है रोना पीटना, अल्लाह खैर करे बेहतर है, आने वाले वक्त में चीज़ें कम हो जाएगी, जल्दबाजी ना करें, आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। कोई मुतमईन नहीं है क्योंकि लोगों की जो बेसिक है ना नीड्स उस पर फोकस करें लोग, ये सब्ज़ी है आपकी ग्रॉसरी है उस पर फोकस करें, चीनी आपकी कहाँ जा रही है, आटा आपका कहाँ जा रहा है, उस चीज़ को तो देखें ना गवर्नमेंट, उस चीज़ को तो फॉलोअप करें, हाँ और बिजनेस क्लास को दे रहे हैं और जो कंज्यूमर है उसको कुछ मिल ही नहीं रहा तो फ़ायदा क्या है, उनके कंपैरिजन उनका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमारा वीक है, बहुत हमारा वीक है। 2021 का जो बजट आया है सही है, जो भी होगा आस्था अपने मामला देख के वो बजट देंगे ना, जो हिसाब किताब होगा, गरीब आवाम को भी फ़ायदा होगा, अब अमीर लोगों को नहीं फ़ायदा हो रहा होगा तो वो लोग कह रहे हैं बजट सही नहीं है ये नहीं है, तो हम खुश हैं कि बेहतर है, आस्ता आस्ता तरक्की होगी, थोड़ा टाइम लगेगा तो बेहतर है। इसमें फ़र्क पड़ रहा है अगर मसलसल जो बड़े बड़े पीछे गोदामों में जिन्होंने माल रखा हो अगर वो परचेजिंग रेट कम करते हैं तो मार्केट में तो कम हो रहा है, मगर आगे सेलमैन वगैरह कम नहीं कर रहे ना, अगर वो लोग मार्केट गिराएंगे डाउन करेंगे तो मार्केट होगी, मगर पहले से कोई डाउन है, कुछ फ़र्क पड़ रहा है सब्जी के रेट में, फ्रूट्स में, स्टोर वगैरह भी अच्छा ही नहीं, कुछ कम हो रहा है, सही है, बजट हक में है, ओके मुतमईन है सर, इससे कोई ऐसा इशू नहीं है, बाकी देखते हैं 2-3 साल हो गए हैं, 2 साल और सही, मुतमईन है। इमरान खान साहब ऐसे कहते हैं टेंशन नहीं लेनी है, गम नहीं करा, घबराना नहीं है आप लोगों ने, तो आवाम दिल पे हाथ रख के खड़ी हुई है कि घबराना नहीं है, 5 साल हम इसे देखेंगे, तो हम इनके साथ हैं, 5 साल 2 साल और रह गए हैं, 3 साल मुश्किल से गुजर चुके हैं, तो 2 साल हम इमरान खान साहब आपके साथ और खड़े हैं, घबराएंगे नहीं और आपके साथ हैं।